आज हम लोग इकोलॉजी की चर्चा करेंगे। किसी चर्चा करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी अगर देखा जाए तो इकोलॉजी जो होता है ये हो गया इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी जो होता है ये जो टर्म था, यानी कि टर्म जो है रीटर, आर ई आई टी ई आर, रीटर के द्वारा 1868 में दिया गया था, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगर इकोलॉजी देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। इको जो होता है ओ ई कोस, ठीक है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, और लोगस का मतलब समझ ही रहे हैं, लोगस इसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? आपने देखा जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द किससे मिलकर, ये रीटर ने दिया था 1868 में, इसलिए रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं? रीटर को। अब ये जो इकोलॉजी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लॉगस। ओइकोस एंड लॉगस, तो ओइकोस मीन्स होता है हाउस, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। इकोलॉजी हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हम लोग करते हैं, इकोसिस्टम आसपास की चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहां पे क्या था, अगर एक साहब है श्री रामदेव मिश्रा, ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। ये तो बात समझ में आया कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी यह है श्री रामदेव मिश्रा। कौन है? श्री रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। रेटर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी। टर्म उन्होंने ही दिया था, और क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी उनको कहा जाता है, और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी यह श्री रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं, इकोलॉजी के संबंध में काफी काम किया था या अध्ययन किया। ठीक है, अब यहां से यदि आप देखिएगा, यहां से देखिएगा तो इकोलॉजी में देखेंगे, इकोलॉजी का मतलब होता है यह शब्द ये है विच स्टडीज, एस टी यू डी आई ई एस स्टडीज द इंटरेक्शन इन टे आर ई आर ए सी टी आई ओ इंटरेक्शन एवं ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल यानी एबायोटिक एनवायरमेंट, ठीक है। आप देखिए तो इकोलॉजी में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इंटरेक्शन, आपस में क्रिया होती है, एक दूसरे से क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। इंटरेक्शन हो गया किसमें एवं ऑर्गेनिज्म में, जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी जीव पाए जाते हैं सब एक दूसरे से
किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से संबंध है, कैसे रहते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और साथ में फिजिकल यानी ए बायोटिक कंपोनेंट के विषय में अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गया? तो इकोलॉजी क्या हो गया? इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? ये शाखा, ये साइंस हो गई, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट इंटरेक्शन, एक दूसरे से क्या संबंध करते हैं, क्या किस प्रकार से निर्भर होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ इस फिजिकल यानी ए बायोटिक जो एनवायरमेंट होता है इसके विषय में क्या ये इनपे क्या इन्फ्लुएंस करता है, इन सब चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत करती है। बात समझ में आ गया? अब अगर देखा जाए तो ये जो यदि आप देखते हैं इसको, तो अगर एक बात आती है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कारक, इसमें अगर हम देखेंगे तो होता है एबायोटिक फैक्टर्स, AFACTORS, एबायोटिक फैक्टर्स, इसको नॉन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो क्लाइमेट, क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, रेनफॉल, रेनफॉल, विंड एंड सॉइल, ठीक है। यही दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या हो गया? अब हम लोग जिसे बताया गया कि दूसरे में क्या संबंध है, दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी कारक, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके विषय में हम लोग को देखना है। तो पहले है एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग कारक आते हैं, क्या आते हैं, नॉन लिविंग कारक आते हैं और सब के सब ये कैसे प्रभावित करते हैं इसके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट समझ ही नहीं, पूरे साल भर का जो मौसम का रहता है क्लाइमेट हो जाता है जलवायु, ठीक है। तो इसमें भी आप देखते हो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे, वनस्पतियां, जंतु, जीव जंतु सब पाए जाते हैं, तो क्या एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, तो ये सब चीजें होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जानी, टेम्परेचर को भी देखते हैं, जैसे मान डेजर्ट चाहिए क्लाइम, डेजर्ट पे जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल अधिक रहता है, दिन में बहुत गर्म हो जाता है, रात को बहुत ठंडा होता है, वहां कुछ दूसरे प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। आप लोग जैसे प्लेन रीजन है वहां पे टेम्परेचर दूसरा होता है, तो वहां दूसरे प्रकार की रहते हैं। अभी पोलर रीजन में जाइए, ध्रुवीय क्षेत्र में जाइए, जहाँ जीरो डिग्री टेम्परेचर है, वहां कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है। लाइट, प्रकाश का भी समझते हैं, प्रकाश की कितनी तीव्रता होती है, वो भी वनस्पतियों पे इफेक्ट डालता है और कैसे डालता है, वनस्पतियों पे जब इफेक्ट होता है तो उसी हिसाब से क्या होता है, वहां वनस्पतियां होती हैं और वनस्पतियां जब जैसी रहेंगी वहां पर जल भी वही रहेंगे। रेनफॉल, वर्षा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, आप समझ रहे हैं, कई ऐसे होते हैं जहां हमेशा रेगुलर बारिश होती है, ऐसे है कई जहां एनुअल जो रेनफॉल होता है उसके आधार पे जो पौधे कैसे होते हैं, तो उन सब के विषय में ये प्रभावित करता है। हवा, हवा का कैसा प्रेशर है, किस प्रकार से हवा चलती है, समुद्र किनारे पड़े होंगे, पहाड़ों पे पड़े होंगे, तो अलग अलग जगहों पे हवा का जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। और ये सॉइल यानी मिट्टी, सॉइल यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी की संरचना कैसी है, बनावट कैसी होती है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये जितने भी कारक है, ये जितने भी कारक है यानी एबायोटिक जो फैक्टर है, उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अगले वाले वीडियो में, ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्लाइमेटिक यानी एबायोटिक फैक्टर, क्लियर हो गया। तो इसके विषय में एक दूसरे से क्या होगा इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर यानी जैविक कारक यानी लिविंग फैक्टर, कह सकते हैं लिविंग है ये, लिविंग। इसमें आता है आपका कंपटीशन, कंपटीशन, फिर है सिंबियोसिस, सिंबियोसिस, उसके बाद एपिफाइटिक, एपिफाइटिक,
पैरासिटिज्म और है कॉमेंसलिज्म, 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 ठीक हो गया। यह है कॉमेंसलिज्म। अब देखिए यह है बाधिक फैक्टर। क्या है ये बाधिक फैक्टर है? तो एक दूसरे से कैसे प्रभावित करता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कम जैसे आप पढ़े हैं कि कंपटीशन, कंपटीशन एक दूसरे जीव से क्या होता है, सभी का होता है, कंपटीशन होता है। और उस कंपटीशन के दौरान क्या करते हैं, उनमें ग्रो कैसे होती है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? छोटे पौधे बड़े पौधे, या बड़े पौधे लगा देते हैं बड़े उग जाते हैं तो उसके छोटे पौधे नहीं उग पाते हैं, क्योंकि दोनों में कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन में क्या, बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से तो सभी जीवधारियों में क्या होता है, आपस में कॉम्पिटिशन होता है, उसके हिसाब से उनका ग्रोथ वगैरह तय करता है। ठीक, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब होता है सहजीवता। सहजीवता का मतलब होता है जब दो जीवधारी एक साथ रहते हैं, जब दो जीवधारी एक साथ रहते हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस यानी सहजीवता कहते हैं। सिम्बियोसिस यानी कि सहजीवता कहता है, सिम्बियोसिस सहजीवता कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए सिम्बियोसिस हो गया। जैसे आप पढ़ेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोग के हाथ में पाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या करता है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है, पाया जाता है। ये देखिए ईपी फाइट, ईपी फाइट, ईपी का मतलब होता है ऊपर, अब फाइट मतलब पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं दूसरे पौधे पे उगते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आगे पौधे पे उग जाते हैं, तो उनको ईपी फाइट कहते हैं। बात समझ में आया? तो उनकी उपस्थिति भी पौधे के ग्रोथ को क्या करती है, प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और यह है पैरासिटिज्म यानी परजीविता। पैरासिटिज्म यानी परजीविता। परजीविता का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, एक एक जीव क्या होता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है और क्या करता है, वो जिस उसी से अपना भोजन वगैरह प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से पैरासिटिज्म करते हैं, तो परजीवी की उपस्थिति भी क्या करता है, उसके प्रभाव को प्रभावित करता है कि जीवधारी के ग्रोथ ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, डिजीज वगैरह देख के जितने भी खाज होते हैं तो सब के सब ऐसे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। तो ये भी ग्रोथ कैसे प्रभावित करते हैं, इसके विषय में हम चर्चा आगे करेंगे। कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म का मतलब अगर देखेंगे तो कॉमेंसलिज्म भी एक प्रकार का सिम्बियोसिस ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक जीवधारी को एक दूसरे से फायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। बात समझ में आया? एक जीवधारी है, दो जीवधारी रह रहे हैं, तो दोनों एक साथ तो रह रहे हैं, एक को फायदा है, दूसरे को कोई फायदा न है न ही नुकसान। ऐसे पानी ये शार्क है, बिग फिश है। अब इसके नीचे क्या होता है, सदर फिश इसके नीचे चिपकी रहती है। अब ये बड़ी मछली है, जब खाती है अपने शिकार को काटती है तो इसके साथ तैरती भी है, तो इसके साथ जो पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं और ये तैरती है तो ये इसके पास भी पहुंचते रहते हैं। ये इतनी छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो इसके रहने या न रहने से इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, समायोजन को कहते हैं कॉमन सेलिजम कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे होता है, यानी एक को फायदा होता है, दूसरे को न तो कोई नुकसान है न तो कोई फायदा होता है, तो इसे कॉमन सेलिजम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो ये है इकोलॉजी। अब इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में इसको डिटेल से और बारी बारी जैसे चीजें आती रहेंगी उसी हिसाब से सारी चीजों को हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।